इस पे कॉल आ रही है. थैंक यू सो मच फॉर ऑल द यूपी पुलिस फोर्स जिन्होंने हमारी इतनी हेल्प की है फैमिली में एक मेंबर को ढूंढने के लिए. हम बता नहीं सकते कि कितनी सपोर्टिव रही है थ्रू आउट पुलिस फोर्स अपडेट्स देने में हमें हर तरह की सपोर्ट इमोशनल और फैमिली को जिस तरह से भी वो सपोर्ट कर सकते थे. थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग. 28 अक्टूबर के प्रातःकाल में श्रीमती ऋचा घोष ने पुलिस को अवगत कराया कि उनके पति पराग घोष लगभग एक दिन पहले घर से निकले थे अपनी हुंडई एक्सेंट कार में यूपी 16AB5897, हाइट लगभग 5 फुट 10 इंच, वेट 85 से 90 केजी और एज 46 ईयर्स, और ये 24 घंटे के बाद भी अपने घर नहीं पहुंचे थे. इस संबंध में पुलिस ने तत्काल मुकदमा दर्ज किया. मामले की गंभीरता को देखते हुए इसमें 5 से अधिक टीमें लगाई गई, 100 से अधिक पुलिसकर्मी इसमें लगाए गए थे. ये पाया गया कि इनका व्यापार फूड कोर्ट से संबंधित, ग्रॉसरी स्टोर से संबंधित रहा है. लगभग 5 राज्यों में इनके बारे में जानकारी की गई, विभिन्न माध्यमों से जानकारी की गई. 500 से अधिक सीसीटीवी फुटेजेस खंगाले गए जिसमें ये स्वच्छंद रूप से दिल्ली की तरफ जाते हुए पाए गए थे. उसके बाद जो हमने 500 से अधिक कॉल डिटेल्स भी खंगाली गई, और इसमें पुलिस को एक जो जानकारियाँ मिली उसके हिसाब से इनका पंजाब और हिमाचल की तरफ मूवमेंट पुलिस को ज्ञात हुआ था. और इस संबंध में जब और जानकारी की गई तो कल इनका ये पाया गया कि वहाँ हिमाचल से भी कोलकाता मूव कर गए हैं. मामले की नज़ाकत को देखते हुए रात में ही फ्लाइट द्वारा पुलिस की टीम रवाना की गई थी, और आज सुबह इनको सकुशल कोलकाता से रिकवर कर लिया गया है. प्राथमिक पूछताछ में इन्होंने अपनी कुशलता प्रकट की है और ये बताया है कि अपनी इच्छा से ही जो है इस तरह से इतने दिन विचरण कर रहे थे, और साथ ही इन्होंने अपनी फाइनेंशियल स्थिति का भी हवाला दिया है. अभी इनसे पूछताछ आगे जारी है और परिजनों को सूचित कर दिया गया है. परिजन